नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद कुमार तिवारी गुजरात के गांधीनगर से आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। आजकल पहला सवाल यही हो रहा है कि मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है आप लोगों को, और यह पिछले एक वर्षों से पूरी दुनिया का शायद सबसे प्रचलित वाक्य हो गया है कि मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। बल्कि मैं इसको बदल के थोड़ा ये कहना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ पहुँच रही है। सुनाई पड़ने के साथ साथ पहुँचना भी एक उस तरह का है। तो आज अर्पण कुमार जी ने आदेश दिया है कि कुछ बातें रखनी है और मुझे मौका दिया है आप लोगों से संवाद करने का। तो आप लोगों की प्रतिक्रियाएं आ जाएंगी तो मैं शुरू कर दूंगा। लक्ष्मी बख्शी जी को मेरा नमस्कार। अर्पण जी तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है और उनका स्वागत मिल गया, तो मैं फिर शुरू करता हूँ आज की बातचीत को। और तो धन्यवाद धन्यवाद। तो आदरणीय अर्पण कुमार जी, लक्ष्मी बख्शी जी और जन सुलभ पुस्तकालय के इस मंच से जुड़े, फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़े ढेर सारे जो विद्वान साथी गण हैं, आप सभी को प्रमोद तिवारी का नमस्कार। जनसुलभ पुस्तकालय जिस तरह का कार्य कर रहा है और जितने बड़े पैमाने पर अर्पण जी के अथक श्रम का वो एक प्रमाण तो है ही, लेकिन साथ ही वो एक बहुत जरूरी कार्य को संपादित करने का भी काम कर रहे हैं। उन लोगों पर चर्चा करना जिन पर थोड़ी कम चर्चा होती है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल चर्चा नहीं होती। साथ ही जब हम लोग बचपन में कुछ काम करने की सोचते थे तो एक पुस्तकालय की कल्पना करते थे। हालांकि पुस्तकालय का स्वरूप लगातार बदलता गया है और अब वो सिर्फ किताबों के बैठकर पढ़ने वाले स्थल के रूप में नहीं रह गया है, बल्कि संवाद के रूप में, पुरानी चीज़ों को संजोने के रूप में और कई रूपों में हमारे सामने पुस्तकालय अब आ रहा है। तो जनसुलभ पुस्तकालय का, अर्पण जी का बहुत बहुत आभार। और मुझे आदरणीय विष्णु चंद्र शर्मा जी पर बात रखने के लिए कहा गया है, थोड़ा मुझे संकोच भी हो रहा है क्योंकि इसी मंच से इसके पहले मशहूर कवि और अलाव जैसी पत्रिका के संपादक आदरणीय राम कुमार कृषक जी, साथ ही रजत कृष्ण जी, और लगभग लंबे समय तक 30-40 सालों तक विष्णुचंद शर्मा जी के साथ रहने वाले, उनको बहुत ही करीब से देखने वाले, या ये कह लें कि उनको हिंदी जगत के लिए संजो कर रखने वाले महेश दर्पण जी का भी व्याख्यान इस मंच पर हो चुका है। और ये तीनों लोग विष्णु जी के बहुत करीब रहे हैं, उनके साथ समय गुजारा है, उनके उन्हीं के मोहल्ले में रह करके उनको बहुत करीब से देखा है। तो इन तीनों लोगों के व्याख्यान के बाद मैं कौन सी नई बात कह पाऊंगा, इसको लेकर मुझे संकोच है। बस आप लोगों का स्नेह है जो मुझे बुलाया है। आजकल हर ओर लाइव कार्यक्रमों का दौर है, सब लोग बहुत सारे जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों का 30-40 मिनट या 50 मिनट तक का समय लूँगा। और विष्णु जी को, सबके अपने अपने विष्णु जी हैं, हर बड़ा लेखक हर एक व्यक्ति के लिए थोड़ा अलग सा हो जाता है। तो मेरे लिए विष्णु जी क्या हैं और उनके किसी एक पक्ष को लेकर मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि व्यक्तित्व के पक्ष को लेकर बहुत सारे लोगों ने बातें रखी हैं। मैंने भी दो तीन लेख लिखे हैं और अभी हाल में एक लेख
जिसको बहुत सारे लोगों का स्नेह मिला, समालोचन नामक वेबसाइट पर मेरा आया था। तो मैंने ये कोशिश की कि उनकी पत्रिकाओं को लेकर के कुछ बात करूं, एक दो संस्मरण जो मेरे पास हैं। और 1999 के अंत में 2000 के आसपास उनसे हमारी पहली मुलाकात हुई, और फिर बाद में उनके घर जाने का मौका मिला। जो पुराना वाला घर था, बाद में वो घर नए ढंग से बना बन गया। और पिछले 17-18 वर्षों से जो उनको देखने का अवसर मिला, सादतपुर भी बहुत तेजी से बदला है। दिल्ली में होकर भी वो दिल्ली का नहीं है, और ये एहसास हर बार अगर आप सादतपुर जाएंगे तो आपके मन में गहरा हो जाएगा कि दिल्ली के भीतर कई दिल्लियां रहती हैं, हर वर्ग की अपनी दिल्ली है। और जैसे बहुत सारे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था ना कि एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें अलग अलग फ्लोर हैं और बीच में सीढ़ी नहीं है। तो दिल्ली में भी कई तरह के लोग रहते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि उनको जोड़ने वाला जो कनेक्टिंग लिंक है या उनके बीच की जो सड़क है, उस सड़क को किसी ने हटा दिया हो। यानी आप दक्षिणी दिल्ली और सादतपुर में इतना बड़ा फासला पाएंगे कि कभी-कभी ये लगता है कि बनारस से दक्षिणी दिल्ली पहुंचना आसान है, दक्षिणी दिल्ली से सादतपुर पहुंचना बहुत मुश्किल है, और उसके लिए अलग से समय निकाल के बहुत कुछ करना पड़ता था। खैर, वो एक अलग मसला है। विष्णु जी का जो व्यक्तित्व था, जो उनका काम करने का ढंग था, और जिस तरीके से वो चीज़ों को देखते थे, उस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करते हुए, और मैं चाहूँगा कि उनके जरूरी जो दो पत्रिकाएं हैं, वैसे उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया, लेकिन कवि और सर्वनाम, ये दो पत्रिकाओं की थोड़ी मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो पहली बात तो यही कि विष्णु जी का जीवन बहुत पारदर्शी और एक जीवन था। मतलब जो आज एक शायर कहते हैं ना कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना बार बार देखना। तो मुझे लगता है विष्णु जी को बार बार देखने की जरूरत नहीं थी, एक बार आप गए और देख लिए तो हर बार वही विष्णु जी मिलेंगे। और दिनों दिन ऐसे लोग शायद कम होते जा रहे हैं जो बाहर भीतर एक ही हों, जो आपको कुछ बुरा लगे तो तुरंत आपके सामने ही बोल दिया कि ये बेकार की बातें कर रहे हो, और अच्छा लगा तो तुरंत सामने प्रशंसा भी कर दे। उनके लेख इस बात के प्रमाण हैं। किसी से वे आतंकित नहीं होते थे, और जो मन में आता था वो कह देते थे। नामवर जी के बारे में जो लेख उनका है, या रामविलास शर्मा पर जो उन्होंने लेख लिखे, वे लेख इस बात के प्रमाण हैं कि कैसे एक ही व्यक्ति थे वे। बाहर भीतर की जो साम्यता है, या सिद्धांत और व्यवहार का जो अद्वैत है, ये पक्ष विष्णु जी में बार बार देखने को मिलता है। इसके साथ ही विष्णु जी की एक खास अदा थी कि श्रम को जितना वो महत्व देते थे, और खुद अपने लिए जो उन्होंने एक मानक स्थापित कर रखा था श्रम का, वो बहुत बड़ी चुनौती थी। हम जैसे युवा लोगों के लिए भी चुनौती थी, और बहुत सारे बड़े साहित्यकारों के लिए भी चुनौती थी, क्योंकि विष्णु जी की जो अपेक्षाएं थीं, जो व्यक्ति मान लीजिए खुद 20 घंटे काम करता है और आपसे कहे कि नहीं 10 घंटे काम करना पड़ेगा, तो बहुत लोगों के लिए जो 2 घंटे काम करने वाले हैं, उनके लिए 10 घंटे काम करना भी बहुत भारी सा लगता था। लेकिन विष्णु जी थे, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वे एक साथ ढेर सारी परियोजनाओं पर काम करते थे, और जो प्रामाणिकता की तलाश है कि जो मैं जानूं वो बिल्कुल सोर्स से जानूं, उसके मूल को जानूं, जो एक अच्छे शोधार्थी की तलाश होती है। हम लोग शोध कराते हैं तो अक्सर पीएचडी के विद्यार्थियों से कहते हैं कि सेकेंडरी टर्शरी सोर्स नहीं चलेगा।